नमस्कार, हमारा नाम सुमित द्विवेदी फोन बा और आप सब देख रहल बानी रेस्पेक्ट इंडिया। रेस्पेक्ट इंडिया के साथे जे शख्स जुड़ल बानी वहाँ के भोजपुरी के बचावे के मुहिम के साथे साथे आप सबके बता दी, समाज में असामाजिकता जोन फैलल बा ओकरा विरोध में यहाँ के लड़ाई लड़ो तनी वर्षों से और आज हमारा साथे जुड़ चुकल बानी। आप सब जानते हो खब आदरणीय श्री नंद कुमार तिवारी जी, तो सबसे पहले स्वागत बा तिवारी जी आपके रेस्पेक्ट इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवा चैनल के, जे लोग भी देखत रहे लगातार बढ़िया काम करीला, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना, बधाई बरवा के। सबसे पहले बाबा हम जानल चाहतनी कि ई जोन भोजपुरी के प्रति जोन राउ प्रेम बटे जी, ई मने कोनो राजनीति के तहत मने राउर मने ई मनोवृत्ति बा या फिर मने भोजपुरी के प्रति सच में रुवा दिन में प्रेम बा? देखियो कुछ चीज देखले हो, बहुत लोग वीडियो डालेला, ओकरा के एडिट करके डालेला, बहुत कुछ करके डालेला या फेसबुक पर गई वीडियो बना के डाल दे। हमार काम और फील्ड वर्क में काम कइल बात समझब, अगर राजनीति से कोनो प्रेरित रही या बहुत पैसा कमाए से प्रेरित तो हम हर दिन वीडियो डालती और ध्यान देखो तो कब कि हम जहाँ गई नहीं, अगर सार्थक वीडियो ना मिलल तो हम बनावटी वीडियो ना डाली। वीडियो का मतलब वो ऐसा वीडियो डाले जो जाके समाज के एगो समाज पर सोचे पर मजबूर हो जाए कि होत का बा। कुछ ही हमरा बताइए, कुछ समाज के ठेकेदार लोग बटे जो उन कहले कि माने बाबा के चुनाव लड़क बा ये खातिर भोजपुरी के प्रति यहाँ के इतना प्रेम बा। अच्छा कुछ ही बताइए, अगर चुनाव लड़े के भी हुई तो खराब नहीं, हमारा कोनो मास्टरा नहीं चुनाव लड़े के ना हम कोनो पार्टी ज्वाइन कर ले बनी। अच्छा अच्छा बात समझ, रहल चुनाव तो 10-11 साल से लगभग में हम सक्रिय बनी का, 11 साल तक हम बैठा रहती जी जी कि कहीं दिखती, जब केहू अश्लीलता के नाम ना जालत रहे, एकदम धड़ल्ले से गीत गावत रहे कि रोके टोके वाला ना रहे, तब से कार्यक्रम के शुरुआत कर ले बनी हम। 11 साल के दरमियान जो लंबा समय बीतल बा, एक राजनीतिक कैरियर कोनो शुरू हो गए कि ना? बिल्कुल बिल्कुल। दूसर बात, अगर ऐसे राजनीतिक कैरियर शुरू भी हो जाए तो कोनो खराब काम नहीं किया, कोनो बेच के नहीं करत, कोनो बर्बाद समाज के बर्बाद करके नहीं करत, समाज के आहत करके नहीं करत, काम खराब ना हो। देखिए सब कोई शुरू कर दी, जेकरा मन में गरी हुई कि हमारे देखिए जे भी मंच पर जाला कलाकार कहला कि हम भोजपुरिया माई के पुत्र हैं। जी जी बात ध्यान से समझ, बिल्कुल बिल्कुल, हम भोजपुरिया पुत्र हैं, हम भोजपुरिया माई के बेटा हैं और वह सब हमारे श्रोता भगवान हैं। बिल्कुल, जब कलाकार भोजपुरिया माई के पुत्र होके भोजपुरिया माई के नंगा करता, वैसन कपूत के समाज में रहला से का फायदा? बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सवाल बा। आज सोची हम लगातार कई दिन से बोलते रहे कि जातिवाद गीत से लेके जिलावाद से गीत से लेके गारीवाद तक जोन चलल जी जी, का कलाकार की यह चेहरा है? बिल्कुल ना है। जे कलाकार हुई ओकरा पर कभी गाली ना पड़ी, जेकरा पर गाली पड़ी वो कलाकार ना है, समाज के खातिर दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। एगो चीज बताए सुमित द्विवेदी पवन जी वैसे कुछ चीज कहल चाहत नहीं, नंद कुमार तिवारी कोनो गीत गावत हन रउवे बेटा सुन के वो गीत से आहत होता, खराब होता, बर्बाद होता, तो फिर लानत बा ऐसा कलाकारी पर। बिल्कुल लानत बा जी। एगो सवाल ई बता रहा थे कि जोन की 15 जून 2023 के जी एगो बिहार पुलिस मुख्यालय से एगो सूचना जारी हो रहा जी, जो ना के काफी मने जोर शोर से करा के सोशल मीडिया पर फैलावल जाता था जी, मने ई कैसन सूचना हुए और ई काहे खातिर जारी कइल गइल बा? देखिए यही कपूत देखिए उस चीज जान ले रो से कलाकार, कलाकार के बात दुगो हम श्रेणी रखनी है। बिल्कुल, यही कलाकार लोग खातिर भइल है कि जैसे रुआ चोर आ रईस दुगो देखले हो खब। बिल्कुल, जैसे चोर के पीछे रईस सिपाही भागेलन पकड़े खाती जी जी, उहे आज हो गेल बा कलाकार लोग के। ई जो अधिसूचना जारी भइल ह, ई सरकार के नींद तब खुल ह जब पराकाष्ठा पार कर गइल ह। रवा गौर राजीत से बात करे तो रवा के बता दी कि हमार काम सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर डालना है जी जी, हम एकरा खातिर मुख्यमंत्री जी के चिट्ठी लिखनी, दुद्दू वाली चिट्ठी दिलवनी, ओकर ई बा हमरा के है, तीसर को चिट्ठी लिख ले बनी, प्रधानमंत्री जी के चिट्ठी लिख ले बनी, डीजीपी महोदय के अनेको लेटर दे ले बनी जी जी। आज सरकार के कान तब खराब भइल ह जो आज हम 10 साल से चिल्ला तनी कि अनहोनी घटना से केहू रोक नहीं कर सकत, रोके चिट्ठी हम भेज देब जी जी, हमने को हम सरकार के पहले ही अवगत करा दे ले बनी कि एकरा के अनहोनी से केहू रोक नहीं कर सकत,
देख ले को स्टेज पर जो गोली चलेला कोनो सत्यनारायण भगवान के कथा पर ना चले, बिल्कुल बिल्कुल, कोनो बढ़िया गीत पर ना चले, बिल्कुल एक गलत गवैया लोग के गलत गीत पर ही चलेला। जी जी ते कुछ ही हमारे को बताई गीत में गोली चले के जगह कहाँ से आ गई, बिल्कुल ये बताई गीत में गलत गोली चले के जगह कहाँ से मिलल। अगर केहू कलाकार जहाँ रंगदारी बा, जहाँ जिलावाद बा, जहाँ जातिवाद बोजन चलो था ना, ना गुंडावाद बा, हम जने बुझाता तो उन्हें करब वो कलाकार होकस गायक होकस चाहे गायिका होकस, हम गुंडागर्दी करब चाहे कुछ होके। देखिए कलाकार के शर्म होला, जेकरा आंख के पर्दा से शर्म हट गई वो बेशर्म हो गई, बेशर्म के कोनो लाज ना होके उहे आज हो गई भाई गलत गवैया लोग के। उतने नहीं खे काल से बहुत लोग के घर में चूल्हा ना जरूरत हुई, वैसे कुछ ही बता देता नहीं हम गलत गवैया लोग के, गलत लिखवैया लोग के, गलत गवैया के सपोर्ट करने वाले लोग के घर में चूल्हा ना जरूरत हुई। जब गाली कहत रहे कि पब्लिक सुनत रही तो हम कलाकार लोग आवता, जितना गवैया दोष बान दोषी बान उतने सुनवैया दोषी बान, एमे कोनो तो मत नहीं कि निखन दोषी, उतने आयोजक दोषी बान जो ओइसन गंदा कलाकार के बुला के अपना द्वार पर गलत गीत से महिमा मंडन करावता। लेकिन एगो चीज विद्या बता देते नहीं कि आज से वो लोग के घर में चूल्हा नजर थोई जे जातिवाद गा के अपना के सुपर टॉप मानत रहे, जे जिलावाद गा के सुपर टॉप मानत रहे, जे जिले एक जिला दूसरा जिला के गाली देके सुपर टॉप मानत रहे, उनका घर में चूल्हा नजर थोई। अच्छा तू उनका एगो चीज बताऊं, जो सूचना जारी भइल बटे जी, तो इस सूचना सिर्फ डरावे खातिर जारी हुई बा कि ये पर कार्रवाई भी मतलब सरकार की तरफ से मिल जाएगी। अच्छा एगो चीज हमरा के बताई, हम अकेले जात रहे कार्यक्रम में जी, तो लोगों के दिमाग में हो जाते रहे कि आइल बर्न अब का हुई, तो सरकार के अधिसूचना जारी हो गई ये बहुत बा। अब तो हमने का कोनो पदाधिकारी के कहे के हकदार हो गई कि सरकार है जा बाजत आके रुकवाई ना रोकब, सवाल खड़ा कर लीजिए गिरवा रोकत कहे नहीं की का सिर्फ दिखावा बा कि अब काम भी हुई। जी जी तो एक चीज जान ली, चिट्ठी सरकार के दिखावा ना हा, छलावा ना हा। अब रहल कि कानून दू गो होला, कानून एगो माने दू आदमी होला दू तरह के, एगो कानून माने वाला एगो कानून ना माने वाला। जी जी तो कानून ना माने वाला कटघरा के अंदर भोज का सुबह में दवा के साथ बताओ तनी हम जी जी कि ना माने वाला लोग कानून के दायरा में हुई लोग कटघरा में रही लोग जाई लोग कहाँ। हम कहत तो बानी कि काल से वो लोग के माथा पर पानी दिया था, अब का गायब मैटर तो बाना हमरा के पूछी के वो भोजपुरी माई के कपूत से खल रो जाके सवाल करब कि तू अपना के भोजपुरी के माई के कैसे बेटा कहेला, वही माई के हमाम में कैसे थमदन में नंगा करेला, भोजपुरी माई के पुत ना हलो कपूत हलो, और वो कपूत लोग के आज घर में चूल्हा जरल बंद हो गई बा। अच्छा तिवारी जी एक सवाल और रही ठीक ना जी, ये जोन अश्लीलता जोन बड़ी सन जिसे गिरुआ कहत नहीं कि 11 साल से उन्हें हमें मुहिम में लागल बनी जी, तो ये तो मैंने 11 साल ना ये हमारा लागत है कि मैंने और भी पिछला कई साल से कई दशक से चली आवत है ये सब वाले कुछ एक चीज बताओ रौरा मैंने ये चीज मैंने कब लागल जो मैंने हमारा अश्लीलता के विरोध करे चाहिए, मैंने रौरा साथे कोई ऐसा घटना घटित हुई नहीं तब तो रौरा मैंने अश्लीलता पर मैंने आवाज उठावल स्टार्ट की। जी 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 हम बताओ हम भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, विष्णु ओझा जी, तमाम क्षेत्रीय जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग जाके डीएम के ज्ञापन देनी जा, जब पहलका गुड्डू रंगीला के गीत आई रहे वही शुरुआत कहनी जा, बाद में फिर तितिर बितिर हो गई जा, मुहिम लगभग शिथिल हो गई। पटना के मौर्या में मीटिंग रहे हुई गई नहीं हमारे मित्र रहे, जब भोजपुरी की बात आई तो बस कलश की आई भोजपुरी जो तुम्हारी भोजपुरी नग्न है उसी भोजपुरी की बात करते हो जी जी, जिस भोजपुरी में कोई मर्यादा नहीं है यार क्या बोल रहे हो, तो हाँ दिखाओ, तो जब यूट्यूब खोला और दिखाया तो मेरे दिमाग की पटरी खुल गई जी जी, और उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मैं इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज से नहीं जब मैट्रिक 1983 में था और 1981 से नाटक खेला करता था,
हमारे यहाँ कार्यक्रम लगातार हुआ है, जी जी इवन 2010 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी आए हैं शाहबाद महोत्सव के माध्यम से, जी जी और 2014 में बक्सर कीरा में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से मैंने बंद कर दिया। और सारे कलाकारों से सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि सारे कलाकारों से मेरे व्यक्तिगत संबंध सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, नो डाउट की नहीं करते हैं, जी जी लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इस बेड़े में कूदा। सब लोगों ने कहा आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपको कोई बोलेंगे नहीं, एक कलाकार किसी को पूछ देता है तो उसका भाव बढ़ जाता है। मैंने बोला कि मैं भाव बढ़े या नहीं बढ़े, भोजपुरी माँ का मैं अपमान नहीं सहूंगा। और सुमित भाई एक चीज और बता दे रहा हूँ कि जितना इसमें मैंने जितना कहिएगा विरोध झेला है, धरती पर शायद कोई झेला होगा। कोई कहता था झाल नहीं बजाते हैं ये क्या कर लेंगे, कोई कहता था ये गाते नहीं इनकी भोजपुरी में क्या योगदान है, वैसे कपूत भी थे इस धरती पर जो गंदे कलाकारों को सपोर्ट भी करते थे और कहते थे कि इनका भोजपुरी में योगदान क्या है। आज उनको भोजपुरी का योगदान दिख गया, योगदान होता क्या है। धीरे धीरे चलते कॉल और रहेगा आपसे, ठीक है जी, जी कि आप भोजपुरी कलाकारों का यानी कि जो अश्लील गाते हैं उन कलाकारों का विरोध ही केवल करते हैं या फिर विरोध करने के सिवा और भी कुछ करते हैं, यानी कि मतलब आप मतलब कोई जॉब वगैरह भी करते हैं अपना आजीविका चलाने के लिए या फिर खेती बाड़ी किसानी करते हैं? देखिए खेती बाड़ी किसानी भी है, मेरा जॉब भी है, बात समझिएगा, मेरा व्यापार भी है, सब कुछ है, नहीं रहता तो मैं क्या करता जी, मैं कहां से खाता, मेरे घर भी है परिवार है। लेकिन इस भोजपुरी को लेकर के मैंने बहुत नुकसान अपना किया है। पहला नुकसान संबंध का हुआ, दूसरा नुकसान पैसा का हुआ, तीसरा दिमागी टेंशन का हुआ। सुमित भाई मैं आपको बता देता हूं कि जिस समय मैं शुरुआत किया था, छोटे छोटे बच्चे फोन उठा करके जो लफ्जों का इस्तेमाल करते थे आप झेल नहीं पाते। एक एक बजे रात को कोई 47 से भूजने की बात करता था, कोई कुछ कहता था, फिर उसी बच्चों को मैं समझाता था, फिर बच्चे वो रास्ते पे आते थे। आप एक वीडियो भी मेरा है देखिएगा, जो बच्चा बोला कि रात भर गाली दिए, हमको बेटा बेटा कहते रहे। हमने अपने थोड़ा सा काम करने का तरीका मेरा अलग था, जिसके चलते आज मुझे सफलता मिली है, आज भोजपुरिया समाज को सफलता मिली है जिन्होंने खुल के मदद किया है। तिवारी जी इस विरोध का, ठीक ना, जैसे कि आप विरोध करते हैं, किसी का भी विरोध कर देते हैं, ठीक है, किसी भी गलत चीजों का तुरंत विरोध कर देते हैं, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मतलब विरोध करते हुए मतलब आपका भी कोई विरोध करने लगे? बहुत ज्यादा हुआ। अभी हाल ही के वीडियो में देखोगे एक बारात में कलाकार गा रहा था, ब्यास की ब्यास गद्दी पे बैठ के ब्यास गरिमा को खराब कर रहा था, मैं पहुंच गया, मैंने विरोध किया। जी जी मैंने बहुत विरोध किया है। उसका एक चीज और आपको तरीका बता देते हैं, बहुत यूट्यूबरों ने लिखा, चले थे भोजपुरी बचाने, फलाना ने रेल दिया, सब लोगों ने मुझे फोन किया, बोले यार मैं यही नहीं लिख रहा है चले थे भोजपुरी बचाने, जी जी मेरा नाम भोजपुरी बर्बाद करने में नहीं आएगा ना, जी जी अगर भोजपुरी बचाने चले थे जी जी तो क्या गलती किए थे, तो जब मैं बचाने चलूंगा तो राक्षसों की टोली तो हम पर हमला करेगी ही। अच्छा तिवारी जी, जैसे कि ये काम आप करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक ब्राह्मण या भूमिहार परिवार से आप होंगे, जी ब्राह्मण परिवार से भूमिहार हो जो भी हो, ठीक है, ब्राह्मण परिवार से, जी ब्राह्मण परिवार से है, ठीक है, समाज में आपकी इज्जत भी होगी, प्रतिष्ठा भी होगी, ठीक है, आपके आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, जॉब भी करते होंगे, आपकी बहुएं भी होंगी, ठीक है, आपकी बेटियां भी होंगी, दामाद भी होंगे आपके, ठीक, अपने नहीं होंगे तो अपने भाई के भी होंगे, जी इन सभी लोगों के बीच जब आप बैठते हैं, ठीक है, और उस वक्त कोई अगर मतलब लगता है कि नहीं मतलब हमारे पिताजी को कोई गाली दे रहा है या फिर मेरे चाचा जी को गाली दे रहा है, ठीक है, या फिर मेरे ससुर जी को कोई गाली दे रहा है, तो इस पीड़ा से मतलब किसी ने परेशान होकर ये बात आपसे कभी कहा कि नहीं कि काहे ही करते नहीं पापा जी, चाहे काहे ही करते नहीं चाचा जी, करा के बंद कर ऐसे काम मतलब बटे रुआ ठीक ना रुआ के लोग गाली भी देते टे रुआ अच्छा भी काम करते नहीं, तो रोकल गई बा कि ना रुआ के घर में? देखिए रुआ से कुछ बताता नहीं, एक बेटा हमारे नाइजीरिया में, एक बेटा हमारे सीए कलकत्ता में। अच्छा अच्छा हमार पत्नी जब रात की सोना उतर तो जरूर घबरा जाती रही, कुछ रेटी भी कहते हम तुम्हारा क्या मतलब ऐसे, लेकिन हमारे बाबू जी कभी का विरोध ना करेंगे, कहने की अगर बचावे खाती बलिदान भी हो जाए तो छोड़ी हम मत के। अच्छा हमारा याद बहुत दिन सबका के बैठा के सब भाई बैठे रहे, जामनी का बेटा लोग भी बैठे रहे, तो बेटा लोग थोड़ा सा कल बाबा रुआ समझाई यहाँ के काम मिली ऐसे कितना विरोध होता है, यहाँ कार्यक्रम करा होते सब कलाकार लोग इज्जत करते रहे, तो वहां की एक चीज कहनी कि दुई आदमी धरती पर जिंदा रहे लगभग बढ़िया करके वो खराब करके, तो बढ़िया करके बलिदान भी हो जीवन तक रखा थी, तो हम लोग कभी गलत मत समझ लिया जा। वही दिन से आत्मबल हमार बढ़ल
हम हर पोस्ट पर बोलनी कि हम जीव चाहे ना जीव रह चाहे ना रह अनेको नंद कुमार पैदा करके जाइब जो तुम लोग का विरोध करते रही। एक चीज और जान ली रियली सब लोग मिलके विरोध कर सब लोग खड़ा भइल तब आज जाके कारमा बनल। आ जो कलाकार ही कहते रहन की 100 रुपया के माइक देख ली कि यह 100 रुपया के माइक लोग के फांसी का फंदा बन गए। अगर ये आवाज ना उठा रही तो ये माइक के लोग 100 रुपया का फंदा ना बनित। जौन आशंका हम पहले कहले रहे सरकार के चिट्ठी लिख के कि घटना दुर्घटना हो अगर केहू रोकी ना सरकार के अगर वही कान खड़ा हो गई रही ई घटना दुर्घटना ना भई रही। वो तिवारी जी जैसे कि बोलनी है इंटरव्यू के दौरान ही कि मुख्यमंत्री जी करवा 3 गो चिट्ठी लिखनी जी 3 गो चिट्ठी लिखला के बाद कोनी रिप्लाई आई कि ना। देखिए मुख्यमंत्री जी के बहुत पॉजिटिव रहे रिप्लाई रहे बहुत पॉजिटिव बाकी भी जी हमें बहुत पॉजिटिव रिप्लाई रहे वहाँ के कहनी स्पष्ट जो पहले जब लेटर देनी तो वहाँ की ये कहनी की इसके तो मैं खुद ही विरोध हूँ मैं अनेकों लेटर लिख चुका हूँ ये मेरे बस ये नहीं है ये होता है ऊपर से सेंटर से। अच्छा अच्छा और दूसरा जब दोबारा गए मोदी जी को आपने भी लेटर लिखा उनको भी लेटर लिखा उनका चिट्ठी आया है शायद जिला में जी मिल नहीं रहा हम उसको खोजवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब दोबारा उनसे जनता दरबार के माध्यम से मिले जी, तब भी उन्होंने एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया उन्होंने कहा लेकिन डीजीपी साहब की कान कोई खड़ी नहीं हुई। मैंने जाके दोबारा जब डीजीपी साहब से मिला तो उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था इसलिए भोजपुरी वाले थे नहीं उनको कोई भोजपुरी से मतलब था। अच्छा, अच्छा। उनको मैंने आगाह करा दिया था कि सामान अगर नहीं रोका जाता है तो घटना दुर्घटना को आप रोक नहीं पाएंगे लेकिन उसको सीरियस नहीं ले पाए हो जिसका आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा 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 तिवारी जी एक चीज और होती है ठीक है बहुत लोगों का आरोप होता है कि तिवारी जी छोटे कलाकारों को पकड़ के उसका गाना बंद करवा देते हैं तिवारी जी और ट्रैक्टर वाले को रोक देते हैं तिवारी जी कभी क्या होता है कि टेम्पू वाले को रोक देते हैं कभी बड़ी गाड़ी 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 वालों को नहीं रोकते हैं कभी बड़े कलाकारों को नहीं डांटते हैं इसमें क्या सच्चाई है मतलब बड़े कलाकारों से आप डरते हैं बड़ी गाड़ियां रोकने से डरते हैं या फिर मतलब वैसे लोग के संपर्क में आप जा ही नहीं पाते हैं। देखिए एक चीज बता दे रहे हैं हम जिनकी सोच जिनका सोच गंदा होगा वो अपने ही सोच से देखेंगे बात समझिएगा। कलाकार बड़ा हो या छोटा मतलब मैंने ही नहीं रखता जी। कौन कलाकार की बात करता हूँ मैं नाम बतलाता हूँ मैंने राकेश मिश्रा जी से मेरी बात हुई है रितेश पांडे जी से मेरी बात हुई है खेसारी लाल जी से बात हुई है अनुपमा जी से मेरी बात हुई है कल्लू जी से मेरी बात कौन होता है स्टार शो बताइए बाप ऐसा कहाँ है। अब जो कोई बता दे रहे हैं आपको थोड़ा सा जिसको मौका नहीं मिलेगा वो क्या कहता है कि कमाने के लिए कोई कहे हैं कोई कहता है कि इनके घर में खैनी का ठिकान। देखिए जिसके संस्कार खराब हो वो अपने ही संस्कार से देखेगा ना जी ये बताइए अगर हम आपको पहले ही बोले हम कि एक कलाकार जिसको जान जाता है वो आके फूल के अपने गांव में कहता है कि मैं फलाने कलाकार को जानता हूँ और जो मेरे सारे कलाकारों से व्यक्तिगत संबंध है जी जी एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ एक होता तो कोई बात होता ऐसे कोई स्टार नहीं है जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं और जो जिनका मैं इज्जत नहीं करता हूँ वो मेरी इज्जत नहीं करते हैं मेरा विरोध करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और तथा कथित लोगों का मतलब कहना है ठीक है लोगों का कि अरविंद सिंह अभियंता यानी कि जो विकलांग है ठीक है उनका आप मंच पे विरोध कर दिए ठीक है ठीक है कभी आप पवन सिंह का विरोध करके दिखाते तो फिर आपके औकात का पता चल जाता। देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं हम पवन सिंह के मंच के कार्यक्रम पर गए ही नहीं हम इधर नहीं मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको मैं आपको बता रहा हूँ जी जी पवन सिंह एक चीज जान लीजिए जो भी गलत करता है जी उसका विरोध कोई एक चिट्ठी भी कर सकती है मैं तो आम आदमी हूँ बिल्कुल बिल्कुल पवन सिंह जी हो चाहे खेसारी लाल जी हो खेसारी लाल जी ने भी बहुत इज्जत के साथ बेइज्जत के साथ मैंने पूरे इज्जत के साथ बात किया है संबंध भी रहे हैं और पवन सिंह जी मैं उन लोगों को बता दूं कि पवन सिंह जी से भी मेरे व्यक्तिगत संबंध है पवन सिंह जी ने मेरा निशुल्क मेरे यहाँ कार्यक्रम किए हैं। अच्छा अच्छा इसको सबको जान लेना चाहिए जी और जहां तक विरोध हुई उनके गीतों का भी विरोध किए हैं हम। अच्छा उठा के देख लेंगे फेसबुक जिनको देखना होगा देख लेंगे। अच्छा एक चीज बताइए अब स्टारों में अगर मान लीजिए हम पवन सिंह से नहीं मिले तो कोई कह दे कि दिनेश लाल यादव से औकात करके दिखा ले बिल्कुल 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 ये बताइए हमको तो औकात तो देखिए पता विरोध करने से नहीं चलता है औकात का तो पता चल गया उन कुवंशों के खिलाफ लेटर निकल गया आज अगर विरोध नहीं होता तो शायद ये लेटर नहीं निकलता तो लेटर ही हमारी सार्थक परिणामों का ये है फल है जी जी अब क्या चाहिए लोगों को
अच्छा तिवारी जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेंगी, ठीक है? जी जी जैसे कि मंच पे आजकल ट्रेंड बन गया है कलाकारों का, ठीक है, कि नर्तकियों के साथ किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के दरवाजे पे लोग कार्यक्रम करने जाते हैं, कभी किसी का कोई गाल नोचता है, कभी किसी का दुपट्टा खींचता है, ठीक है, इस पे आपका मतलब क्या रहा है? इस पे मतलब आप विरोध अपना जताएंगे या फिर मतलब इसको भी आप रोकने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अनेकों कार्यक्रम में गया हूं। ऑडियो के माध्यम से तो मतलब ये निकल गया, विज्ञप्ति जारी हो गया कि ऑडियो जो मतलब जातिवाद बजाएगा, गंदा बजाएगा, या फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो नहीं, विजुअल, आप जो विजुअल गंदा दिखाएगा उसके ऊपर क्या होगा? एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं अभी तक 18 लोगों पर भेज दूंगा, 18 लोगों पर एफआईआर कर चुका हूं। सरकार अच्छा कार्रवाई करे या ना करे सरकार का काम है, बात समझिएगा। जी जी एक बिल्कुल आपके पास गालीबाज है, उस पर मैं एफआईआर कर चुका हूं, आपको पता है। मैं आपको जी बता पता तो नहीं आपको, मैं जी आपको अपने वाणी के माध्यम से बता देना चाहता हूं। जी कोई हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का कलाकार हो, गलत करेगा, नंद कुमार तिवारी का खुलम खुला विरोध रहेगा। और यहाँ जी दो श्रेणी है, बात समझिएगा। एक राक्षसों की टोली है जो जी खुल के, अच्छा एक चीज बताइए, जो मेरे बातों से आहत होगा वो मेरा विरोध करेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तो राक्षसों की टोली जो भी मेरे विरोधी हैं, तरह तरह की अफवाहें, प्रोपगंडा फैलाते रहेंगे। लेकिन मैं एक बिल्कुल चीज कहता हूं, सुमित द्विवेदी पवन जी की जब बात उठेगी तो ये कैसे, ये नहीं ना कहेंगे कि गलत किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस रही अरविंद सिंह अभियंता जी की बात, तो जी मैंने किसी एक व्यक्तिगत का कहीं भी विरोध नहीं किया है। मैं मंच पर गया हूं, बिल्कुल कमलबास कुंवर जी गए हैं, उनका भी बयान लगाया हूं। कोई हो, जहां आया है मेरे जीवन में, जहां मैं गया हूं, मैं मिला हूं, मैं खुल के विरोध किया हूं, मैं कहीं छोड़ा नहीं हूं, मैं एक का विरोध नहीं किया हूं। जिसको देखना है वो मेरे फेसबुक पेज पर चले जाए, आंख खोल के देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी कि आपने अपनी बातें सारी बेबाकी के साथ रखे, ठीक ना, और हम अपने चैनल के माध्यम से सारे श्रोताओं दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि नंद कुमार तिवारी जी का विचारधारा क्या है और किस सोच के साथ भोजपुरी को बचाने निकले हैं, और भोजपुरी को बचाने में सक्षम भी हैं, और जैसे कि सूचना जारी हुआ है इसके बारे में भी कई सारी बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी जी, आपका बहुत हमारे बहुत धन्यवाद, बहुत साथ बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद थैंक जी, यू। ओके।